तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह सुबह का टाइम अगेन इन बस, और बस की हालत तो आप देख ही सकते हैं किस तरह लथपथ। ये बच्चे यहाँ से उतरे हैं, इस बार इन्होंने पता नहीं क्यों फ्रंट गेट से उतारा, और इसके ऊपर तो नाम इन्होंने ऐसे लिखा हुआ जैसे अंदर शाही किला बना हो। खैर, फ्रंट गेट पे पता नहीं क्यों उतारा, मुझे लगा शायद पीछे आज फ्लावर शो था तो पीछे इन्होंने डेकोरेशन की होगी। तो यहाँ पे मैं उतरी हूँ, और इस तरह कैमरा करने का मकसद तो समझ ही गए होंगे, कार चेकिंग हो रही होती है। ये जी सारे लोग अब आगे गए हैं, इंटर हुए हैं, कार ने इशारा किया साइड पे चलें, लेकिन हम भी जीते हैं आगे जाके बाहर निकल आए, अपना रास्ता होना चाहिए। और ये पूल देख रहे हो, अब भाई मेरे आने की खुशी में बस। एक्चुअली मैं 2-3 दिन बाद दोबारा गई थी ना, हमें ऑनलाइन वीक में इन्होंने बुला लिया था, हमारा उस दिन बनता नहीं था। इतनी बार तो एक टाइम स्केड्यूल चेंज हो चुका है इनका, समझ ही नहीं आती। खैर, आज हरी भरी रंग बिरंगी हमारी यूनिवर्सिटी और फैसिलिटेशन ऑफिस, वो जो नज़र आ रहा होगा उसको कौन नहीं जानता, वहाँ हर बंदा जाके जलील हुआ हुआ है। यहाँ सब उतरे हैं, अपनी अपनी क्लासेस में जाएंगे, मैं भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ, और ये कुछ कुछ फ्लावर्स का नज़ारा करती जाऊँगी। हर रो में डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स रखे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। ठीक है, अच्छा मैंने ना बैक से वॉइस ओवर कर रही हूँ आगे, क्योंकि 3-4 फंक्शन थे तो वो मैंने सारे मिक्स किए हुए हैं। वो रही हमारी सिविल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग, जहाँ हमारे लेक्चर्स होते हैं, हम कॉर होते हैं, और अब तो गर्मी आएंगी और पता लगेगा। यहाँ बिल्डिंग के बाहर भी इन्होंने रंग बिरंगे फूलों से बिल्डिंग को सजाया हुआ है, हमारे ही पैसे लेके। अच्छा, अब मैं इस तरफ इसलिए जा रही हूँ कि हमारा लैब थी और हमने लैब अटेंड करनी थी। यहाँ ये मैंने अपने व्लॉग में बताया हुआ है, यहाँ पे लैब्स हैं और ये बुक शॉप है। ये जी हम बैठे हुए हैं और वेट किया जा रहा है, वो सामने वीसी का ऑफिस कौन नहीं जानता। ठीक, यहाँ पे अब सुबह नाश्ता नहीं किया था, कैफ़े से निकली थी, कैफ़े से निकल के नाश्ता यहाँ पे नाश्ता किया। तो यहाँ पे ना मैंने नोटिस किया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से लोग आए हुए थे, और यहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटीज़ का फ़ुटबॉल मैच था, उसकी प्रैक्टिस की जा रही थी। यहाँ पे भी एक टेंट लगाया हुआ था और कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, सारा दिन यही चलता रहा। आई थिंक हमारे जाने के बाद इनका मैच, जब हम जाने लगे थे 3 बजे का टाइम था, तो तब इनमें मैच हो रहा था। तो क्योंकि मैंने और फंक्शन अटेंड किए थे तो मुझे इसका नहीं पता कि कौन जीता कौन नहीं। खैर, ये देखें एक और प्यारा नज़ारा। अब मैं यहाँ पर आई हूँ ICT, और ICT आने का क्या मकसद था, एक तो यूनिवर्सिटी आ जाओ, हर जगह घूमना पड़ता है आपको। मैं आई हूँ ICT में, मैंने अपने सिस्टर का एडमिशन करवाना था, कहाँ एडमिशन कराना था वो भी नेक्स्ट क्लिप में आपको पता लग जाएगा। यहाँ भी इनके आसपास फूल लगाए हुए हैं। ये है ई रोज़गार का ऑफिस ICT में, जहाँ पे फाइवर और डिफरेंट फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज सिखाते हैं। और यहाँ मैं निकली हूँ अब इनसे बात करके, अब मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ जहाँ मैंने कहीं भी इंटर्नशिप की थी। तो वहाँ से बाहर निकली हूँ, अब जहाँ फ्लावर एग्जीबिशन हो रहा है उस जगह जा रही हूँ, वहाँ की सूरत हाल भी देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। पंगे हर जगह ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी सेटअप हो रहा था, प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ। इस साइड पर ये सामने इन्होंने कोनों में मतलब टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, आगे मैंने क्लिप्स में दिखाया भी हुआ है। ये हमारे स्टॉल जो हमारा FDSG का था, उसकी प्रिपरेशन हो रही है। इसके बाद जी मैं जा रही हूँ मैकेनिकल बिल्डिंग। अच्छा, इसके दरमियान में मुझे टाइम मिला था तो मेरी तबीयत डाउन होना स्टार्ट हो गई थी, फिर मैं हॉस्टल चली गई, वहाँ जाके 1 घंटा सो गई, फिर वहाँ से उठ के फ्रेश हो के आई। तो हमारा एक छोटा सा सेमिनार टाइप था मैकेनिकल बिल्डिंग में, वो क्या था, वो ये कुरान खा और हुस्न किरात और ना था इंटरनेशनल बेस पे। तो الشمس إلى غسق الليل
من الليل فتهجد به نافلة لك عسى مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में इजाफा करेगा तो फिर चीजों को इकट्ठे रखने का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है वहां पे। तो मेरी गुजारिश होगी इस रमजान में सब लोग एज ए मुस्लिम एज ए गुड ह्यूमन बीइंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, बड़ी अकीदत से सारी चीजें करें, लेकिन ये ख्याल जरूर रखें
कि मेरे एक्शन से कोई दूसरा मुसलमान या इंसान कहीं कहीं भूखा तो नहीं रहेगा, कहीं वो परेशान तो नहीं होगा कि आई कैन नॉट बाय द थिंग्स। आप इवन कपड़े भी खरीदते हैं तो अगर आपके पास मौजूद हैं तो आपको नहीं खरीदने चाहिए। इत्तदाल पसंदी ये है कि आप अपनी जरूरत की चीजें कम करें, ये मुस्लिम सोसाइटी ही आपको बताएगी। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मुस्लिम सोसाइटी से अच्छी कोई सोसाइटी दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इस मुस्लिम सोसाइटी को डैमेज किया हुआ है, उसमें हम सब लोग शामिल हैं, उस्ताद और उलमा इकराम ज्यादा शामिल हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि वी कैन गाइड यू बट वी फेल टू डू दैट। तो आप बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप हमसे अच्छे बन जाएं और इस दफा लोगों को बताएं। जी मैं वहाँ से निकल आई हूँ। ये मिस्र से कुछ कुरान ख्वाह आए थे और कुछ वहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन जिन्होंने पढ़ा, तो वहाँ से सुभान अल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ थी। अब मैं जा रही हूँ वापस फ्लावर एग्जीबिशन देखने, क्योंकि इसके बाद हमारा लेक्चर था तो वो अटेंड करना था। यहाँ मैं आई हूँ, ये स्टॉल्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, डेकोरेशन कम्प्लीट हो चुकी है, कहीं पर हो भी रही थी। अच्छा, यहाँ पर सीन ऐसे हुआ कि वो जो पहले कुरान वाला सेमिनार था उसमें मैं वीडियो बना के ना, मेरा मोबाइल बिल्कुल हीट अप हो चुका था, उससे पहले मैंने फुल चार्जिंग पे लगाया हुआ था। तो जब यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही थी, कुछ क्लिप्स मुझसे नहीं बन रहे थे और मोबाइल बिल्कुल हैंग होके रुक गया था और मैं इतना परेशान थी। अच्छा, ये हमारे वाला स्टॉल है, इसके बाद मैं एक एक करके स्टॉल दिखाती हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्टेज बनाया हुआ है, ये स्टेज की डेकोरेशन अभी हो रही थी, कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और सामने आगे बारी बारी करके। अच्छा, यहाँ पे धूप बहुत थी, लिटरली इतनी गर्मी, मैं तो हैरान हूँ कि जून जुलाई वाली गर्मी की मार्च में क्या कर रही है। अच्छा, यहाँ से वन बाय वन दिखाते हैं, कुछ की रह रही थी और कुछ कर रहे थे अपना, और ये मैंने स्पेसिफिक नाम नहीं देखे, बस मैंने छोटे 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 इनके क्लिप्स डाउन बनाए थे, और ये वाला मैंने अपनी फ्रेंड के मोबाइल से बनाया, तब इसका इस तरह सा इमेज आ रहा है, लेकिन नॉट बैड। इस टाइम पे मैं मोबाइल दे रही थी, मैंने कहा मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, तो उसने मुझे अपना मोबाइल दिया, कहती ये लो इससे बना लो, तो ये मैंने बनाया कहीं कहीं पे। अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे ये देखें, इतने क्यूट क्यूट इन्होंने डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी। अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं कि इसमें पोजीशन किसकी आई, बट काम हो रहा था और काफ़ी एफर्ट्स थी जो दिख रही थी। वेल, यहाँ पे ये कार्ड बनाया जा रहा है फ्लावर एग्जीबिशन का, तो उसकी डेकोरेशन की जा रही है और ये डिफरेंट लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं,
और ये सबसे जहाँ से इंटर होते हैं इसके कोने में FTST हमारा फूड न्यूट्रिशन फूड न्यूट्रिशन वालों का स्टॉल लगा हुआ था। तो उसकी भी मैंने स्टार्ट में वैसे क्लिप दिखा दी है, ये वाला हमारा है FTST। बच्चे खड़े यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे और मेरा बस था कि बस मैं बनाऊँ और यहाँ से चली जाऊँ। अच्छा, इसके बाद हमारी एक लैब थी और लैब होने के बाद लैब के दौरान हमें बुलाया गया कि आपका अपने डिपार्टमेंट का एक सेमिनार है, वो आके अटेंड किया जाए। अब वो आके अटेंड किया जाए फिर अब क्या कर सकते थे, चलें फिर वहाँ चलते हैं। वहाँ पे जस्ट मैंने नाद की शूट की है, वो देखिए। जब से मेहमान हुए हैं